हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। आज का ट्यूटोरियल जो होगा वो एथिकल हैकिंग का एक पार्ट है कि एथिकल हैकिंग मैं कैसे कर सकता हूँ। और जो हम चीज़ें डिस्कस करने जाएंगे वो होगा एक फ़ोन हैकिंग के बारे में कि मैं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे हैक कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का डिवाइस हो या एंड्रॉयड का कोई भी वर्जन हो, उसको आसानी से हैक किया जा सकता है। तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, उससे पहले हमें सेटअप करना होता है एक एंड्रॉयड फ़ोन अपने कंप्यूटर के अंदर। यानी कि कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन मैं अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे बना सकता हूँ। हमें पता है अगर मुझे कोई भी मशीन अपने सिस्टम के अंदर डिफाइन करनी होती है तो हमें उसके लिए वी एम वेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा वी एम वेयर है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक एंड्रॉयड डिवाइस को कैसे सेटअप करते हैं वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। मैं पहले एक डिवाइस को सेटअप कर चुका हूँ, पर मैं ये प्रोसेस जो है आपके लिए रिपीट करना चाहता हूँ जिससे आप सीख पाएँ कि कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस मैं अपने सिस्टम के ऊपर कॉन्फ़िगर कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एंड्रॉयड ISO डाउनलोड करनी पड़ेगी, एंड्रॉयड ISO फॉर VMware। इस तरीके से अगर मैं कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे लिंक आ जाते हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एंड्रॉयड X86V9 इमेज, यानी कि एंड्रॉयड जो होगा वो 32 बिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 32 बिट की इमेज जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो एंड्रॉयड X86 यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। और ISO इमेज के लिए सोर्स पैकेज के लिए हम इस वाली साइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग साइट्स हैं जहाँ से हम पूरी की पूरी चीज़ें ISO इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आ गया android86.org, ये ओरिजिनल साइट है जहाँ से हमें जिस भी तरह की ISO इमेज चाहिए वो सारे मिल सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जितने भी ISO इमेज रिलीज़ कर रहे हैं ये सारे 32 बिट वर्जन में है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से चाहूँ एंड्रॉयड 7.1 की रिलीज़ जो है वो रिलीज़ 2 उसको डाउनलोड कर सकता हूँ जो नगेट है, और अगर मैं चाहूँ तो ओरियो की रिलीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम ओरियो की रिलीज़ जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है osdn.android, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरे सिस्टम में एंड्रॉयड की जो ISO इमेज है उसका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। ये जो एंड्रॉयड की फ़ाइल है वो पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ, और इसके लिए जो फ़ाइल मैंने सेव कर रखी है यहाँ से हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल जो है मेरी डाउनलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, और मेरे पास इसका प्रॉम्प्ट भी आ जाएगा। तो अभी ऐसे देख लिए, ये हमारे पे ISO की इमेज डाउनलोड हो जाएगी, ये मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ तो बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इससे अगले स्टेप में पढ़ते हैं कि अगर मैं इसको मुझे सेटअप करना है तो मैं किस तरीके से इसको अपनी VMware मशीन के अंदर सेटअप कर सकता हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने VMware ओपन करना है। VMware ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से टिपिकल, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने इमेज जो डाउनलोड की थी वो मैंने जो इमेज डाउनलोड की थी वो है एंड्रॉयड X86-64-8.1 RC2। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको किसी भी फाइल को चूज़ करके दोनों में से किसी के साथ भी काम कर सकता हूँ। तो फिलहाल हम इस वाली फ़ाइल को चूज़ कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो फ्री BSD वर्जन 10 एंड अर्लियर डिटेक्टेड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर चुका है, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ जैसे ए एंड्रॉयड ओरियो। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ से मैं डिस्क स्पेस जितना चाहूँ, जितना रिकमेंडेड है वो है, आप चाहे तो 8 GB भी दे सकते हैं, पर रिकमेंडेड रहेगा कि आप 20 GB दें, 20-40 भी दे सकते हैं, आप 64 GB भी दे सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे हमने इसको 20 GB स्पेस दे दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ से कस्टमाइज हार्डवेयर में आप जितनी भी रैम देना चाहें अपने सिस्टम को वो दे सकते हैं। जैसे आपके सिस्टम में जितनी भी रैम होती है आप ट्राई कीजिए आप उसका 1/3 दे सके। तो मैं यहाँ पे इस सिस्टम के लिए 4 GB रैम जो वो अलोकेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद फिनिश कर देना, फिर जैसे ही मैं फिनिश करूँगा मेरी वर्चुअल मशीन जो वो स्टार्ट हो गया। अब इसको हमें फुल स्क्रीन करके इस पर क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल एंड्रॉयड X86 टू हार्ड ड्राइव, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये क्या हो जाएगा, सेटअप रेडी हो रहा है अभी। और हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक जो पार्टीशन है वो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रिएट मॉडिफाई पार्टीशन
जो यूज जीटीपी, इसको यस करना है और फिलहाल कोई भी क्विक हो जाएगी। ये वाली स्क्रीन जो हमें इसको छोटा नहीं कर सकता कि इसका साइज़ आपको किस तरीके से दिखे, तो आई होप कि आप यहाँ इस पर क्लिक कर सके। तो हमें कहाँ पे क्लिक करना है, हमें न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है और एंटर 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 मार देना है। जो भी आ जाएगा न्यू पार्टीशन नेम, करंट नेम जो हमें देना है वो उसका बूट दे दिया, फिर उसको आपने एंटर करना है, फिर यहाँ पे जो पार्टीशन बना है उसको सेलेक्ट करके राइट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइप यस, और उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ से बाहर आ जाना है। यहाँ से बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, क्विट कर देंगे, और फिर यहाँ पे जो पार्टीशन था SD1 वो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमें ओके क्लिक करना है और जो पार्टीशन जो फॉर्मेट करना है वो हमें EXT4 पे करना है। तो यहाँ से फॉर्मेट पार्टीशन EXT4 कर दिया है और फॉर्मेटिंग पार्टीशन स्टार्ट हो चुका है। और हमें क्या करना है, डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल बूट लोडर, उसके ऊपर यस क्लिक कर देना है और यस ऑप्शन चूज कर लेना है। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, डायरेक्ट यस यस पे क्लिक करते जाना है और ये क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड इंस्टॉल हो जाएगा और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इतने ये टाइम लेता है, इतने मैं चीज़ों को पॉज कर देता हूँ, फिर अगर इसमें कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको शो कर दूँगा। यहाँ से जो है मेरा सिस्टम जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ से रन एंड्रॉयड x86 चला सकता हूँ या फिर इसको रिबूट कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको रन कर देते हैं। पर वैसे रिबूट करना मैंडेटरी था, अगर आप अपनी तरफ से ट्राई करें तो इसको रिबूट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ़िलहाल अगर ये डायरेक्ट स्टार्ट होता है तो सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, अगर हमें अपना सिस्टम रिबूट कर लेना चाहिए और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं सिस्टम रीस्टार्ट करूँगा मेरे पास ग्रब आ चुका है। अब ग्रब में एंटर करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेस पे आगे जा सकते हैं। अब ये एंड्रॉयड को डिटेक्ट कर रहा है और उसको रन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने इसको रैम कितनी एलोकेट कर रखी है। पहली बार ये प्रोसेस चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देख लीजिए, जैसे ही कि हमने इसको सिस्टम को रीबूट किया है तो मेरा एंड्रॉयड यहाँ पे आ गया। फिर मुझे उसके बाद एंटर करना है और एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, मेरा एंड्रॉयड जो है उसको उसको स्टार्ट कर देगा। तो अब हम देख सकते हैं जो मेरा एंड्रॉयड का सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम के अंदर VMware के अंदर एंड्रॉयड इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो बेसिक प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं उसको, जैसे बिल्कुल नया एंड्रॉयड फ़ोन सेटअप किया जाता है वो वाला सारा प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे अगले वाले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इस एंड्रॉयड को मैं हैक कैसे कर सकता हूँ। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।